माता की जय। आज शिवसेना हिंदुस्तान चंडीगढ़ ने जो खालिस्तानी द्वारा जो समर्थक है पन्नू जोर का जो समर्थक है जो बाहर विदेशों में बैठा है खालिस्तानियों ने पंजाब बंद की कॉल दी थी जो 31 तारीख आज, तो हमें भी पता लगा तो हमने कल ही अपने शिवसेना हिंदुस्तान के जितने भी वार्ड प्रधान है ब्लॉक प्रधान है सबको सूचना दी गई और सब ने अपने अपने आज इलाकों के अंदर जितने भी वार्ड हैं सब ने निरीक्षण किया और हमें पता लगा कि चंडीगढ़ के अंदर खालिस्तान का कोई भी समर्थक इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि वो पंजाब बंद की कोर के अंदर कोई नारा मार सके। तो मुझे बड़ी खुशी है कि शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत से जो निरीक्षण किया और चंडीगढ़ वासियों से बड़ी खुशी है मुझे उनकी कि उन्होंने खालिस्तान समर्थकों को ठुकरा कर हिंदुस्तान को ही सबसे महत्व दिया जो भारत देश है हमारा। तो आज हमने शिवसेना हिंदुस्तान वार्ड नंबर 5 के जो हमारे अध्यक्ष हैं बलविंदर जी और साथ में मेरे चंडीगढ़ युवा उप प्रमुख अमित अडवाल जी और चंडीगढ़ महासचिव वीरेंद्र जी और अन्य कार्यकर्ताओं ने हमने यहाँ पर जो हमारा शिवसेना कार्यालय है सेक्टर 25 में वहाँ हमने यहाँ पर जो भूतपूर्व हमारे जो मुख्यमंत्री थे सरदार बैंस सिंह जी उनको श्रद्धांजलि जी और जो इन्होंने जो शहीद हुए जो साहस दी अपने पंजाब के प्रति, तो आज हमें गर्व है जो ऐसे ऐसे इंदिरा गांधी बैंस सिंह अपना कर जो अपने वेद जी थे जो अपने अपने डिपार्टमेंट के जो पुलिस सैनिक थे जिन्होंने 1984 दंगों में जिनकी जो शहीद हुए शहादत को उनको प्रणाम करते हुए शिवसेना हिंदुस्तान ने आज यहाँ पर जोरों शोरों से खालिस्तानियों का विरोध किया। वंदे मातरम भारत माता की जय। मैं अमित अटवाल शिवसेना हिंदुस्तान युवा उपाध्यक्ष चंडीगढ़। आज माननीय श्री अजय सिंह चौहान जी के निर्देश अनुसार और बलविंदर सिंह मलिक जी के अध्यक्षता में आज हमने उनके कार्यालय में शिव सैनिक इकट्ठे हुए और शहीद बेंद सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए अलग अलग जिस अलग अलग जगह पर जैसे कि हमने मोहाली में अपना काफ़ी अच्छे से मोर्चा रखा। हमारे जो है कुछ शिव सैनिक जो शिवसेना हिंदुस्तान के शिव सैनिक है वो अपने अच्छे स्तर पर खड़े रहे और वहाँ पर सर्च किया कि भई अगर मोहाली में 7 फेज तक जैसे कि वार्ड नंबर 5 और 8 यानी कि मैं 38 वेस्ट जो 38 वेस्ट में रहता हूँ मेरी भी पूरी टीम और यहाँ से भी पूरी टीम हमने अपनी मोहाली में लगाई हुई है, अगर हमें कुछ ऐसा हमारे जो समर्थक को कुछ लगता है शिवसेना हिंदुस्तान के सैनिकों को लगता है तो वो अपने आप भी वहाँ पर अलर्ट रहेंगे और शिवसेना हिंदुस्तान के जो है मुख्य पदीय अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हैं हमें कॉल करेंगे तो हम सभी जाकर उनका विरोध करेंगे डटकर और उनका सामना करना पड़ा तो सामना भी करेंगे। और इस चीज़ की हमने जो है प्रशासन की नॉलेज में भी डाला हुआ है कि शिव सैनिक जो है अपना पूरे जोरों शोरों से विरोध करेंगे और इस चीज़ का एक मार्च करेंगे जो कि हमारे शिव सैनिक अच्छी तरीके से पूरा हर एक 7 फेज तक सर्च किया हुआ है और इस चीज़ पर पूरी निगाह टिकी हुई है शिवसेना हिंदुस्तान की। अगर कुछ ऐसा एक भी आतंकवादी गतिविधियाँ हमें कुछ लगती है तो हम उसको जो है समूह इनको रोकेंगे और गुरपतमान पन्नू का सपना कभी पंजाब बंद होने का पूरा नहीं होने देंगे। बाकी हमारे साथ बलविंदर सिंह मलिक जी भी हैं वो भी अपने दो शब्द कहेंगे। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। शिवसेना हिंदुस्तान आज अजय कुमार चौहान जी के निर्देश अनुसार सेक्टर 25 में श्रद्धांजलि अर्पित करती है बेंद सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री रहे पंजाब के और खालिस्तानियों के ऊपर एक जोरदार तमाचा हिंदुस्तान शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से मारती है कि आज हम कहते हैं कि जो ये माहौल खराब करने की आतंकवादियों के द्वारा साजिश रची जा रही 31 अगस्त को हम हिंदुस्तान पंजाब बंद करेंगे खालिस्तान का झंडा फहराएंगे तो हम एक शिवसेना हिंदुस्तान एक संदेश देना चाहती है कि भी जब तक एक शिवसैनिक हर वार्ड में हर प्रदेश में हर देश में जीवित है तब तक उनका सपना पूरा नहीं हो। और माननीय जी अजय सिंह चौहान जी के
सपने अनुसार हम ये चाहते हैं कि आगे से हम शिवसैनिक आगे से भी इसी उम्मीदों को तरक्की करें। जय हिंद भारतवासियों, मैं वरिंदर सिंह वेरदी। आज चंडीगढ़ में शिवसेना हिंदुस्तान के पंजाब राज्य सचिव एवं चंडीगढ़ प्रदेश प्रमुख अजय सिंह चौहान जी के दिशा निर्देश अनुसार वार्ड नंबर 5 प्रमुख बलविंदर सिंह जी के अध्यक्षता में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शहीद बेअंत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है पंजाब को आतंकवाद मुक्त करने में। उनके जिस योगदान को कभी भी कोई भी पंजाबवासी देशवासी नहीं भुला सकेंगे। इसी के साथ आज कॉल दी गई थी 31 अगस्त को जो भाड़े के बैठे आतंकवादी हैं विदेशों में, गुरपतवन सिंह पन्नू और खालिस्तानी आतंकवादी हैं, चाहे वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि वो अपने आप ये कार्यक्रम बंद करें और जो देश विरोधी लहर को ख़त्म करें और वो देश के विकास में योगदान दें, देश के नौजवानों को वर्ग लाना बंद कर दें, नहीं तो उसका अंजाम उनको खुद उनके देशों में भुगतना पड़ेगा। वो ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जब तक एक भी शिव सैनिक यहाँ पर जिंदा है कभी भी उनके सपनों को पूरा नहीं होने देंगे हम। ये बात वो अच्छी तरह से अपने दिमागों में बैठा लें कि वो बैठ के विदेशों में जो हमारे पंजाबी नौजवान उनको वर्ग ला सकेंगे, औकात है उनकी वर्ग लाने की, वो खुद छुप रहे हैं, खुद वो पंजाब पुलिस भारत के मिलिट्री से छुप रहे हैं। वो मैं उनको एक बार चेतावनी देता हूँ कि वो जहाँ पर भी हैं भारतीय सैनिक उसको छोड़ेंगे नहीं, उनको वहाँ पर ही आकर के वो ठोकेंगे। इसीलिए कभी भी पंजाब की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करें। पंजाब में अमन शांति हमेशा से कायम रही है। पंजाब में हिंदू सिख एकता को कभी ख़त्म होने का वो सपना जो पाल रहे हैं ना, वो ख़त्म कर दें, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। हम खड़े हैं।